हेलो एवरीवन, वेलकम टू रास्तेदारी। और हम आए हैं जो की चौक ऑफ द टाउन है कि द्वारका में एक अंडर वाटर मेला लगा है, द्वारका सेक्टर 11 में। तो हम यहाँ पे आए हैं, ये यहाँ का रामलीला ग्राउंड है, इधर ये मेला लगा हुआ है। और अभी हम जस्ट उतरे हैं और काफी भीड़ है संडे होने की वजह से। तो अभी हम जा रहे हैं और अब जाकर देखते हैं टिकट काउंटर पे कि टिकट कितनी की होगी। वो चलते हैं। तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये एंट्री की लाइन है, पूरा एंट्री पे ये लाइन है और इधर टिकट काउंटर है। तो अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो टिकट जो है 150 रुपये है पर पर्सन, और अगर आप वीकडे में आ रहे हैं तो 100 रुपये है। तो अब हमने टिकट ले ली है। ये रही टिकट। टिकट के प्राइजेस हैं 150 रुपये है ना पे, और वीकडे पे 100 रुपये हैं। और अब हम अंदर जा रहे हैं, और अगर आप बोलोगे कि टाइमिंग्स क्या है तो ये 5 बजे से 10 या 11 बजे तक चलता है रात के, और चारों तरफ लाइटनिंग है। वैसे तो बहुत अच्छा व्यू है, तो अब एंट्री के पास थोड़े पहुंच गए हैं हम। काफ़ी लंबी लाइन है यार, दिल्ली में लोग बड़े वेले हैं यार, जहाँ मेला दिखता है वहाँ लोग दिख जाते हैं, हम भी उनमें से एक है यार। ये एंट्री गेट के पास हम पहुँच गए हैं। आईफिल टावर दिख रहा है हमें, छोटा ही सही। और ये लाइन में धक्का मुक्की लगते हुए अब हम जा रहे हैं। तो ये हम पहुँच रहे हैं ड्रीम लैंड, डिज्नी लैंड तो जा नहीं पा रहे हैं, ड्रीम लैंड आ जा रहे हैं। तो आप एंट्री कर चुके हैं, तो हम एंट्री कर चुके हैं। ये नीला नीला पन है, ये इसी टनल पे है। और एंट्री करते ही मछलियाँ दिखनी शुरू हो जाती। ये देखिए, ये सबसे पहला एक्वेरियम है। लोग देखो कैसे देख रहे हैं, पूरा नीला व्यू कर रखा है। जम जा रही है, काफी भीड़ है यहाँ पे। मछली जल की रानी है, रात में तल के खाती है। चलो ये वाली पकड़ ले, वाली पकड़ लो। अब ये है क्रोकोडाइल स्टाइल फिश। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सारे एक साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, ये सारे एंजल फिश। ये अगली फिश है, बच्चे काफी खुश हैं, देखो बच्चे बहुत खुश हैं मछलियाँ देख के। और ये हम सबकी प्यारी गोल्ड फिश, और यहाँ पे है इनका बहुत सारा झुंड। अगेन बच्चे, बोला था ना बच्चे बड़े खुश हैं यार। और काफी लोग हैं, लोगों की भीड़ आज संडे होने की वजह से काफ़ी भीड़ है। तो आप वीकडे में आओगे तो शायद कम भीड़ मिलेगी और टिकट भी सस्ती पड़ेगी।
था कि टनल वाली फीलिंग, असली टनल वाली फीलिंग तो आ गई यार। यही टनल का मैंने वीडियो देखकर मैं यहाँ पे आई थी। तो अब हम बाहर आ गए हैं, बाहर है मेला और टनल से बाहर आके हम आ गए हैं मेले पे और अब हम घूमेंगे मेला। और यहाँ पे सबसे पहले हमें सेल दिखी 20 रुपये, हर चीज़ें 20 रुपये, तो हम वो देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखाती हूँ मैं। झूले हैं बच्चों के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वीकेंड के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, आप अपने बच्चों को लेकर आए, मौसम अच्छा है तो आप ले जा सकते हैं। और प्लस ये शाम से लगता है 5 बजे से, तो आप आ सकते हो यहाँ पे आराम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लजीजदार चीज़ें हैं। ये क्या है? ये बीट रूट मसाला, रागी से बनाई है। बेस रागी होगा, फ्लेवर बीट रूट। और तो ये बीट रूट का फ्लेवर है, बेस रागी है। ये स्नैक्स के ऑप्शन है, अगर आपको खराब स्नैक्स तले हुए वो सब नहीं खाने हैं तो ये अवन में बने होंगे ना बेक। अच्छा, तो ये रोस्टेड है तो आप ये ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ कैसा है। ये रहा और ये खाकरा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के खाकरा आपको यहाँ मिलेंगे। और फिर वहाँ पे हैं अचार, लोग ले रहे हैं अचार। अगला ये कैप है और यहाँ चश्मे है बच्चों के लिए, तो बहुत ही क्यूट कैप है। तो ये तो मैं एक लेने वाली हूँ मेरी बेबी श्रव्या के लिए, माची माची प्यारी सी बोलते हुए आएगी और बहुत ही क्यूट है। अब इनका प्राइस पूछती हूँ, भैया क्या प्राइस है? तो ये प्राइस है 150 के। तो अभी मैं देखती हूँ कौन सी लेती हूँ। तो यहाँ से हाट बाज़ार है पूरा, जो कि हाट बाज़ार जैसे बचपन में लगता था। तो यहाँ पे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए सारी चीज़ें हैं, वो देखो आप सुंदर से बैग है और यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें वो जो दिखा रहे हैं। और पीछे वो झूले दिख रहे होंगे, वहाँ पर अभी हम चलेंगे। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हो, खिलौना। तो ये घूम के बचपन वापस आ रहा है, वही मेले वाले दिन, वही झूले वाले दिन। देखिए बच्चों के लिए खिलौने, बच्चे आए हैं जिद कर रहे हैं, यहाँ पे भी बच्चों के खिलौने। तो ये पूरा इंतज़ाम है कि माँ बाप यहाँ से खर्च करके जाए ही जाए, पहले टिकट के पैसे दें टनल से आए और फिर यहाँ खर्चा करें। तो ये सारा किचन का सामान है, यहाँ पे नल लगाया हुआ है, बढ़िया इंतज़ाम है। फूट भी है, 1199 रुपये का प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ सारे सूट रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो अगर आपको ये चीज़ें भी ख़रीदनी है तो आप ये यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। सामने भी कुर्ते हैं चिकन कढ़ाई वाले, वो भी काफ़ी सुंदर है, तो वो भी आप यहाँ पर ख़रीद सकते हो। थोड़ा इस कम्पेयर टू नॉर्मल मार्केट में जो आपको मिलेगा वहाँ से यहाँ पे प्राइस ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मार्केट लगा हुआ है। पर बाज़ार में शॉपिंग का मज़ा ही अलग होता है ना, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्रॉकरी भी है, 30 की, 20 की, 40 की, 60 की सेल है।
तो यहाँ काफी भीड़ है औरतों की, क्रॉकरी ले रहे हैं, प्लेट है, कटोरे हैं, डोंगे हैं, तो लोग ये ले रहे हैं। अब ये बच्चों के लिए यहाँ पे छुक छुक गाड़ी भी है। तो जो ये झूले हैं, झूले के जो प्राइस हैं वो अलग से हैं, वो टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। टिकट बस एंट्री के लिए और एक्वेरियम के लिए है, और बाकी सब आपको खुद ही यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे गो कार्टिंग भी है, बच्चे कर रहे हैं। ये देखिए बढ़िया है यार, बढ़िया टाइम पास है वीकेंड के लिए। माँ बाप लेकर आए बच्चों को यार यहाँ पे। चलते चलते थक गए हो तो पॉपकॉर्न खा लीजिए या कॉटन कैंडी खाइए। ऑलमोस्ट मैं आपको पूरा मेला दिखा चुकी हूँ।